नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर। उपरस का वर्णन चल रहा था, पिछले अध्याय में मैंने आपको उपरस के बारे में बता रहा था। तो उपरस में अब इस अध्याय में उपरस से ही चलेंगे। उपरस में हड़ताल का वर्णन इस अध्याय में मैं आपको करने जा रहा हूँ। हड़ताल भी उपरस वर्ग में आता है। हड़ताल भी एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि है। इसका वर्णन मैं आपको, ये उपरस वर्ग में है, मैं इसका वर्णन आपको कर रहा हूँ। नाम इसका है, संस्कृत में हरिताल में बोलते हैं, हिंदी में हड़ताल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ओरपिमेंट बोलते हैं और येलो आर्सेनिक भी बोलते हैं। सूत्र इसका As2S3 है। आर्सेनिक काठिन्य इसका 1.5 से 2 तक है। विशिष्ट गुरुत्व इसका 13.4 से 3.5 तक है। पर्याय इसके पर्याय में है हरिताल, ताल, तालक, नटभूषण, विडालक, आल, चित्र गंधक, चित्रगंधक भी इसे बोलते हैं, चित्रगंधक है, वंगारी है, खरजूर है, वंग 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 पत्रक है, वंग पत्रक है, ये सभी हड़ताल के पर्याय कही जाते हैं। इतिहास, इसके इतिहास में क्या है, भारतीयों को अत्यंत प्राचीन काल से इसका ज्ञान है, मतलब इससे हड़ताल का ज्ञान भारतीयों को अत्यंत प्राचीन काल से है। अनेक प्रयोग सुश्रुत में इसके अनेक प्रयोग उपलब्ध हैं। कुष्ठ में लेप का प्रयोग इसमें किया जाता है, कुष्ठ में लेप के रूप में भी इसका प्रयोग आया है। परिचय, यह एक खनिज द्रव है, वर्तमान में यह कृत्रिम रूप में भी बनाया जाता है। यह पीले रंग की चमकीले परतों वाले ढीले के रूप में प्राप्त होता है। इसमें आर्सेनिक के दो भाग, दो परमाणु और गंधक के 3 परमाणु होते हैं। जलने पर गंधक के एम लहसुन किसी गंध इसमें आती है। आग पर यह उड़ जाता है। यह यवक्षार एम नौसादर के घोल तथा सांद्र अम्ल में घुलनशील है। कृत्रिम निर्माण इसका 4 भाग आर्सेनिक और 4 भाग गंधक को मिलाकर, मतलब 4-4 दोनों बराबर भागों में 4 भाग आर्सेनिक और 4 भाग 4 भाग ही गंधक को मिलाकर अग्नि पर पाक किया जाता है। अग्नि प्रभाव से ही इसकी चमक होती है। प्राप्ति स्थान, यह विदेशों से भारत में आता है। इटली एवं ईरान इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। संप्रति यानी आज तक, आज की स्थिति में हड़ताल कृत्रिम का निर्माण भारत में भी होता है, मतलब आजकल। संप्रति का मतलब है आजकल भारत में भी इसका कृत्रिम निर्माण होता है। हड़ताल के 2 भेद हैं, ये 2 प्रकार का होता है, पत्रताल और पिंडताल। पत्रताल उत्तम है और पिंडताल अधम माना गया है। पत्रताल को ही आयुर्वेद की संहिताओं में चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। पत्रताल यह सुवर्ण के समान, पत्रताल जो है सुवर्ण के समान सुंदर पीली चमक वाला भारी स्निग्ध छोटे मोटे छोटे छोटे पत्रों से युक्त और चमकदार होता है। इसमें अत्यल्प प्रमाण में अशुद्धि होती है, मतलब ये बहुत कम प्रमाण में इसमें अशुद्धि होती है। पिंडताल यह पत्र रहित पिंड ढीले के समान होता है, अल्प सत्व वाला होता है, चमक रहित एवं भारी होता है। इसका भारी भारी होता है। इसे अधम अल्प गुण वाला माना जाता है। इसमें अशुद्धि अधिक होती है। यह इसे स्त्री पुष्प हर कहा गया है। ग्रह स्वरूप कैसा होता है इसका? पत्रताल देखने में सोने जैसा चमकीला और पीत वर्ण का तथा भारी होता है। एक के ऊपर एक ऐसे अनेक पत्रों से युक्त होता है पत्रताल, मतलब इसलिए इसमें पत्रताल बोलते हैं, एक से ऊपर अलग पत्रताल होता है। यह स्निग्ध है, स्वच्छ अच्छा है। पत्रताल रक्ताभ पीतवर्ण का होता है। यह गुणाधिक होता है, यह इसमें गुणाधिक, इसमें अत्यधिक गुण होते हैं, इसलिए इस गुणाधिक भी बोलते हैं। अग्राही रूप में कैसा होता है? पिंडताल जो होता है वह अग्राही होता है। यह देखने में पीतवर्ण का पिंड रूप में तथा एवं पत्र एवं चमक रहित होता है। इसके ऊपर भाग उबड़ खाबड़ यानी उन्नतोदर होता है। इस पे
कहीं कहीं काले धब्बे होते हैं। ये गुणों में अल्प होता है और ये अग्राह्य यानी चिकित्सा के लिए उसका ग्रहण नहीं किया जाता है। भौतिक गुण, यह पत्र जैसा पीत वर्ण का ठोस एवं चमकीला होता है। यह मृदु एवं स्निग्ध और कई पत्रों के परत से युक्त होता है। हड़ताल, हड़ताल के बारे में, इसमें तात्विक रूप से गंधक और आर्सेनिक दो ही तत्व होते हैं। यह अग्नि पर शीघ्र ही द्रव हो जाता है। गंधक 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है और संख्या आर्सेनिक 200 डिग्री पर पिघलता है, किंतु यह और कम ही ताप पर पिघलता है। इसके रासायनिक संगठन में गंधक के 3 अणु और आर्सेनिक के 2 अणु संयुक्त रूप से बनाया जाता है। इसका रासायनिक नाम आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड है। उपयोग क्या है इसके? आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है अत्यधिक रूप से, ये हम कह सकते हैं आराम से। केश पातन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, केश पातन, केश को झड़ने के लिए। रंगने के लिए हड़ताल का अधिक प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कई उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। हड़ताल शोधन कैसे करेंगे हम इसका? शोधन का शोधन बिना शोधन का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए शोधन कैसे करेंगे उसके लिए है कि आवश्यकता क्या है उसकी। अशोधित हड़ताल के सेवन से क्या मतलब, शोधन क्यों करना चाहिए? क्योंकि अशोधित हड़ताल सेवन करेंगे तो कई प्रकार की रोग हो जाएंगे, तो इसलिए बताया कि अशोधित हड़ताल से दाह, क्षोभ, शरीर में कंप, तोद, रक्त विकार और कुष्ठ की आशंका रहती है। यह शरीर की सुंदरता को नष्ट करता है। यह मृत्यु कारक तथा वात एवं कफज रोगों उत्पन्न करने वाला होता है, अतः बिना शोधन के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको शोधन करके इसका प्रयोग करना चाहिए। अब इसके शोधन के बारे में, अशुद्ध तालक आयु को नाश करने वाला होता है, कफज एवं वातज रोग प्रमेह उत्पन्न करने वाला है, शरीर में ताप, स्फोट और अंग संकोच, शिरा संकोच, स्नायु संकोच को उत्पन्न करता है, अतः इसकी शुद्धि करके इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार का अपन इसमें वर्णन मिलता है। हड़ताल का शोधन कैसे करते हैं? इसका शोधन सबसे पहले है कुष्मांड स्वरस या कुष्मांड स्वरस यानी कोल, कुष्मांड होता है कद्दू, कद्दू का स्वरस, कद्दू का स्वरस या तिल क्षार जल या चूर्ण दक में इसको दौलायंत्र विधि से शोधन करने से हड़ताल शुद्ध हो जाता है। नंबर एक, मतलब इसका सबसे पहला क्या, कुष्मांड स्वरस या तिल क्षार जल या चूर्णोदक, चूर्णोदक चूर्ण का पानी में दौलायंत्र विधि से स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। नंबर दो, हड़ताल के छोटे छोटे टुकड़े करें, उसके दसवां भाग टंकण में डालकर जमीरी नींबू स्वरस तथा कांजी से प्रक्षारण कर उसे चतुर्गुण वस्त्र की पोटली में बांधकर चूर्णोदक या कांजी में या कुष्मांड स्वरस अथवा शामली स्वरस में एक दिन तक स्वेदन करने में इससे हड़ताल शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार त्रिफला क्वाथ या तिल तेल में 4 प्रहर तक दौलायंत्र विधि से स्वेदन करने पर हड़ताल शुद्ध हो जाता है। हड़ताल का मारण, मारण कैसे करते हैं? शुद्ध हड़ताल में गाढ़े पलाश मूल त्वक के क्वाथ की 3 भावना देकर पुनः उसे महेशी मूत्र की भावना देकर चक्रिका बना सुखाकर शराब संपुट में बंद कर 10 उपलों की अग्नि में फूंक दें। शराब संपुट में बंद करें और 10 उपले हैं, 10 कंडे उसकी अग्नि में फूकें यानी इसको पुट दे में। इस प्रकार 12 पुट देने से हड़ताल की उत्तम भस्म बन जाती है। 12 पुट देने इसका नंबर सेकंड, शुद्ध हड़ताल शुद्ध पत्रताल को पुनर्नवा के स्वरस में, पुनर्नवा एक औषधि है उसके स्वरस में एक दिन मर्दन करें, एक गोलाकार चक्रिका बनाकर सुखा लें। अब इसे एक स्थाली यानी भांडे कोई बर्तन में आधा भाग पुनर्नवा क्षार भरकर उसके बीचों बीच हड़ताल की चक्रिका को रखकर शेष भाग को पुनः पुनर्नवा क्षार से भर दें। मतलब इसके जो इसका गोला बनाए उस चक्रिका के नीचे पुनर्नवा क्षार पहले भरें और बाद में पुनर्नवा क्षार, मतलब पुनर्नवा क्षार के बीचों बीच इस गोले को रख दें। अब इस भस्म यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि में प्रज्वलित करें, मतलब भस्म यंत्र में करें और चूल्हे पर चढ़ाकर प्रज्वलित करें। अग्नि को क्रमशः बढ़ाते हुए जाएं और लगातार 5 दिन तक अग्नि देकर पाक करें। लगातार मतलब निरंतर 5 दिन तक अग्नि दें और उसका पाक करें। तत्पश्चात स्वांग सिद्ध होने पर सावधानी से हड़ताल भस्म को प्राप्त कर लें। इस प्रकार से ये हड़ताल भस्म की बनाने की विधि आपको बताई गई है। इसके अलावा पीपल त्वक छाल
पात की 21 भावना देकर 21 भावना देकर चक्रिका बना पीपल त्वक भस्म के मध्य में रखकर 4 याम तक अग्नि पर पाक करने से हड़ताल की भस्म हो जाती है। 4 याम तक लगातार इसका पाक करें तो अग्नि की इसकी हड़ताल की भस्म बन जाती है। ये इसमें शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा आगे जो वर्णन है, अर्कदुग्ध से भावित कर चक्रिका बना मतलब टिकिया बना करके पलाश भस्म के मध्य रखकर भस्मेंत्र विधि से 4 याम तक पाक करने से हड़ताल का भस्म बन जाता है। नंबर आगे दूसरी तरीका इसका विधि बताई है, शुद्ध हड़ताल के समान भाग शुद्ध सुक्ति भस्म लेकर कुमारेश्वरस का मतलब घृतकुमारी गंवार पाठा कुमारेश्वरस की भावना देकर गंवार पाठे की भावना देकर घृतकुमारी की भावना देकर चक्रिका बना लें, सुखा लें एवं सराव संपुट में बंद कर लघु पुट की अग्नि देने से हड़ताल की भस्म बन जाती है। हड़ताल भस्म बनाने के 4-5-5-6 तरीके आपको बताए गए हैं। इनमें से किसी भी एक उपाय के द्वारा आप हड़ताल की भस्म बना सकते हैं। सब अलग अलग आचार्यों ने अलग विधियाँ बताई है, उनमें से किसी भी विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में आप अनेक सभी विधियाँ लिख सकते हैं, बनाने में भी आप कभी किसी विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। हड़ताल भस्म की परीक्षा कैसे करेंगे, बनी कि नहीं बनी, भाई हड़ताल भस्म आपकी कैसी बनी है, इसकी परीक्षा करने के लिए शास्त्र में नियम बताए गए हैं। उसमें क्या, हड़ताल भस्म को अग्नि पर डालने पर यदि उसमें से धुआं नहीं निकले तो भस्म बन गया है, मतलब अग्नि पर डालने पर धुआं नहीं निकलनी चाहिए तो ये समझे कि भस्म बन गई है, ऐसा जानना चाहिए। धुआं निकलने पर ठीक से मारण नहीं हुआ है ऐसा जाने, अगर उसमें धुआं निकल रही है तो इसका भस्म ठीक नहीं बनी है, इसलिए इसको पुनः इसको उसका मारण करें, पुनः उसके चक्रिकाए बनाए और उसका पुनः उसका पुट लगावें। धुआं निकलना गंधक की उपस्थिति का परिचायक है, गंधक इसमें होता है भाग, इसलिए गंधक की उपस्थिति का परिचायक है। अगर भस्म बनाएंगे तो गंधक इसमें पूरा समाप्त होना चाहिए, तो इसलिए भस्म को पुनः उसको बनाना चाहिए। अपक्व अशोधित अमृत हड़ताल सेवन की हानि, अमृत मतलब अपक्व अशोधित और अमृत यानी अच्छी तरह सही ढंग से नहीं बनी हुई हड़ताल सेवन हानि क्या होती है, असम्यक मृत अच्छी प्रकार से भस्म नहीं हुआ, हड़ताल भस्म खाने से शरीर में सुंदरता या आरोग्यता नष्ट हो जाती है, शरीर में अत्यधिक ताप बढ़ जाता है, अंग संकोच तथा पीड़ा को उत्पन्न करता है, उसके अतिरिक्त कफ रोग वात रोग कुष्ठ रोग आदि भयंकर रोगों को उत्पन्न करता है। हड़ताल के गुण क्या हैं, इसके गुण आगे लिखे हैं, यह रस में कटु है, तिक्त है, कषाय है, गुण में स्निग्ध एवं गुरु एवं वीर्य में उष्ण है, वीर्य में उष्ण है। हड़ताल कफ एवं रक्त विकृति को दूर करता है, विष एवं भूतबाधा को नष्ट करता है, विष को नष्ट करता है, भूतबाधा को नष्ट करता है। केवल हड़ताल का सेवन करने से स्त्रियों का आर्तव दोष नष्ट हो जाता है, अकेली हड़ताल सेवन करने से स्त्रियों का आर्तव दोष जो होता है नष्ट हो जाता है। यह अग्नि दीपक बलकारक कांतिकर वृष्य वाजिकरण पुष्टिकर शरीर को पुष्ट करने वाला ओज को बढ़ाने वाला रसायन एवं मृत्यु हर है, मृत्यु को भी नष्ट करने वाला है। व्याधियों में विशेष रूप से यह बातें व्याधि श्लेष्मज व्याधि रक्तपित्त वात रक्त कुष्ठ कंडू विसर्प ददरु पामा स्लीपद श्वास कास विषजन्य व्याधि ज्वर कटिग्रह गुदग्रह गुदरोग क्षय प्रमेह मुखरोग व्रण रक्तविकार तथा कफ पित्त रोगों को नष्ट करता है। हड़ताल भस्म अत्यधिक पुराना फिरंग रोग वातरक्त विसर्प विचर्चिका सभी प्रकार के कुष्ठ अर्श विषमज्वर विपादिका अपस्मार भगंदर व्रण नाड़ी व्रण स्फोट एवं वातजन्य अन्य समस्त रोगों को ये नष्ट करता है। हड़ताल की मात्रा क्या लेनी चाहिए, 1/4 रत्ती से आधी रत्ती तक प्रयोग करें, अनुपान गुड़ूची कषाय शहद एवं घृत का अनुपान दें, सेवन में पथ्य क्या है, हड़ताल सेवन करने वाले को लवण अम्ल एवं कटु रस वाले पदार्थों का आतप सेवन आदि त्याग कर देना चाहिए, यदि लवण का त्याग संभव न हो तो सैंधव लवण का सेवन कर सकते हैं।
हड़ताल सेवन से उत्पन्न विकारों में शांति कैसे हो सकती है? इसके लिए है, हड़ताल सेवन उत्पन्न विकारों में शांति के लिए शर्करायुक्त जीरक का 3 दिन तक सेवन करें। इसके अतिरिक्त जीरक मधु एवं कुष्माण्ड स्वरस को एक दिन में 3 बार सेवन करें। हड़ताल से सबसे रसमानिक का निर्माण होता है हड़ताल से, तो रसमानिक का निर्माण कैसे करते हैं? शुद्ध हड़ताल चूर्ण को 2 अभ्रक पत्रों के बीच रखकर मंद अग्नि पर पकावें। हड़ताल का वर्ण गाढ़ा रक्तवर्ण माणिक वर्ण का हो जाने पर अग्नि पर पृथक कर स्वांग शीत होने दें। पश्चात सावधानी पूर्वक रसमानिक प्राप्त करें। रसमानिक एक ऐसी औषधि है जो रक्तविकार में काम आती है, हड़ताल से बनता है, अकेले हड़ताल से बनता है। इसमें शुद्ध हड़ताल का चूर्ण द्रवित होकर गाढ़ा लाल वर्ण का पत्र सदृश बन जाता है, जिसे अभ्रक पत्रों के बीच में से सावधानी पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। ये वातश्लेष्मक ज्वर के लिए प्रशस्त है। ये रसमानिक का उपयोग जहां जहां हड़ताल का उपयोग अपेक्षित है वहां करना चाहिए। हड़ताल के प्रमुख योग में कस्तूरी भैरव रस, ताल केसर रस, ताल सिंदूर, नित्यान रस, वात गजांकुश रस और समीर पर रस आदि इस प्रकार से है। धन्यवाद।